अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? हम सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और आज जो है भाई, बाहर से स्टार्ट हो रहा है अगेन व्लॉग। ससुराल में शादियां स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि अब आप लोग को वेडिंग के व्लॉग देखने को मिलेंगे। ये है कज़न, यानी ससुराल में शादी, जो दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है। ये है पक्की सास के बेटे की शादी, जिनका सबसे छोटा बेटा है। और ये ग्रुप डांस हो रहा है मेहंदी नाइट की एंड प्लस कवाली नाइट की। पहले मेहंदी नाइट जो है, उसके बाद आफ्टर डिनर के बाद कवाली नाइट स्टार्ट हुई थी। बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम था। ये ग्रुप डांस कर रहा था, ये लड़के आए हुए थे, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। इनका ग्रुप डांस चल रहा था, कितने इन लोगों ने डांस किए थे और बहुत इंजॉय किया। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इन लोगों की। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का डांस हो रहा है। आप लोग को शायद हल्की की आवाज़ में मुझे कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही थी, क्योंकि वहाँ तो बहुत हद से ज़्यादा शोर था, तो कॉपीराइट की वजह से मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा। और ये देखें, बहुत ज़बरदस्त बैंक्वेट था, बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ था। और मेहंदी के हवाले से, कवाली के हवाले से बहुत ज़बरदस्त लोगों ने डेकोरेशन किया हुआ था। ये देखें, ये जो है उनका बेटा है, कज़न जो है ना उनका बेटा है, ये डांस कर रहा था। छोटा है बट इनके डांस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इन्होंने पूरा इन्होंने सीखा था, जितने दिन शादी हम करते हैं बहुत अच्छा डांस किया था। एक एक ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। और डिनर भी बहुत मज़े का था, तो अब आगे डिनर भी चलेगा। डिनर मैंने नहीं बना सकी, जिलान बहुत तंग कर रहा था इस वजह से। जी जनाब, कवाली स्टार्ट हो गई डिनर के बाद। डिनर बता देती हूँ मैं आप लोगों को क्या था। बॉय ये कवाली ना स्टार्ट हो गई थी, तो कवाली तो ये खुद पढ़ रहे थे, बोल रहे थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा आवाज़ इसमें रखा है ताकि आप लोग भी इंजॉय करें, सुन सकें। और डिनर में जो है वही मेहंदी और होता कबाब पराठे, कचौड़ी थी, दही बड़े, मालपुआ, कुल्फी, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत सारी वैरायटी थी। और बहुत मज़े का खाना था, बेहतरीन वाइट बिरयानी भी थी। और बस वही छोटे बच्चों को संभालने में मोस्टली वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और ये कवाली नाइट चल रही है, बहुत मज़ा आया। थोड़ी बहुत इन लोगों ने कवाली में नात और गज़ल वगैरह ये सुनाई। इसके बाद जो है वो दोस्तों का जो ग्रुप होता है, फ्रेंड्स के ड्रिंक वगैरह, उन्होंने वो अपने फरमाइशी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे, जो फरमाइश कर रहे थे। बहुत मज़ा आया और लेट भी काफ़ी हो गया था। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, जीलान ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। अपने नन के साथ बैठी हुई थी, मेरी नन गई थी, ये बैठी हुई है, तो बस जीलान कह रहा था मुझे खड़ा ही रखो, तो मैं वहाँ देख पा रहा हूँ। ये दूल्हे का भाई दूल्हे के ऊपर ये देखें प्रेशर उड़ा रहा है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और मेहंदी का कवाली भी बहुत अच्छी थी, जिनकी उसको परफॉर्मेंस मिलेंगे, बट कवाली और गज़ल बहुत अच्छी पढ़ रहे थे, काफ़ी इंजॉय किए। जिलान की देखें काम भी कर रहे हैं, और जिलान को फुल ऑफ इंजॉय करवा रही थी। मेरा फुल लुक आप लोग चेक कर लें, कवाली की थीम थी ब्लैक थीम थी, मैं तो खुद ही ड्रेस पहन के चली गई थी, तो मैं भी मैच गई थी। और जान फुल इंजॉय अपना कर रहा है, बच्चे अपने इंजॉय में, बड़े अपने इंजॉय में, बहुत मज़ा आ रहा था। और डिनर के बाद कवाली, कवाली के बाद फिर चाय वगैरह गर्म गर्म सर्व हो रही थी। और चाय के फिर कुछ देर के बाद जनाब हमें मिला था गर्म गर्म बंद कबाब, अंडे वाला बन कबाब, बहुत मज़ा आया। ये जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के, क्योंकि दोस्तों की गैदरिंग सब ऊपर खड़ी हुई थी, स्टेज पे देखें सब अपने अपने में मज़े कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, तो ये भी चले गए थे उस तरफ। ये देखें ज़बरदस्त था, ये जिलान उसकी जो रोटी होती है वो खा रहा था, और बहुत मज़ा आया। ये देखें गर्म गर्म बन कबाब, सर्दी में ऐसी चीज़ें ऊपर से एक शुगर चल रहा होता है,